हेलो साक्षी देसाई. हेलो मैम, फ्रॉम वेर आर बॉलीवुड यू? नाउ. या हियर. देयर। या ओके, हैप्पी बर्थडे शाहरुख. थैंक यू साक्षी। माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फेल्ट लाइक जीरो एंड व्हाई? डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू सी एज जीरो। एज इन लाइक यू ऑल आर वेरी सक्सेसफुल, सो व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू फेल्ट लाइक अ लूजर? बिकॉज लाइक मोस्ट ऑफ अस फील दैट ओ यू पीपल डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, बट आई एम श्योर इट्स नॉट द केस. सो व्हाट वाज व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फेल्ट लाइक अ लूजर और लाइक जीरो एज वी कॉल इट? मैं हर बात पे लूज़र फील करता हूँ यार। मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा। मेरे को, मैं अपने एक परसों दोस्त के साथ था, जो बहुत फेमस और आई थिंक हमारे देश के सबसे बड़े एक्टर हैं, आमिर के साथ। और उसने मुझसे यही सवाल पूछा कि तू ऐसा क्यों है शाह, ऐसा क्यों करता रहता है तू, सोच क्यों रहा है ऐसा तू। और फिर मुझे मालूम पड़ा बात करते करते कि वो भी ऐसा ही सोच रहा था। तो वो मुझसे इसलिए नहीं पूछ रहा था सरप्राइज से, वो इसलिए पूछ रहा था कि आंसर चाहिए था कि मैं क्या करूं। तो क्योंकि मैं उसके बारे में बात कर सकता हूं, दोस्त है, ये दोनों दोस्त हैं। आई थिंक आनंद सर दोस्त से भी ज़्यादा हैं, भाई हैं। आई थिंक सबको यार कभी ना कभी हर जगह पर कोई ना कोई मोमेंट ऐसा आता ही रहता है दिन में जहाँ पे आप ज़ीरो फील करते हो। जैसे छोटी सी बात बताऊंगा, जैसे अगर अपने बच्चे के साथ बैठे हुए हो। अभी मैं अब्राम के साथ बैठा हुआ था एक दिन, तो मैंने उसको कहा मेरे पास बैठ, फिर वो बैठा नहीं, मेरे पास चला गया। तो मेरे दिल में ऐसे ऐसे ख्याल आए कि मैं अच्छा बाप नहीं हूँ, मैंने इसको मोहब्बत नहीं दी। कैसा तो नहीं, मैं फिल्मों में ज़्यादा टाइम लगाता हूँ, अपने बच्चों के साथ मैं टाइम नहीं लगा रहा। और एक दिन मेरे को ये खड़ा होगा एक लड़की के साथ और कहेगा कि काट के, क्या वो काट के कालीन में हीरों के पैबंद नहीं लगाए जाते, मैं छोड़ के जा रहा हूँ तुमको। जमींदार साहब, तो मुझको बहुत लूज़र फील किया मैं उसको यार। फिर मेरी बीवी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बाकी दो बच्चे भी यही समझते हैं, फिक्र मत करो। सो मैं यार बहुत बहुत हर चीज़ में ऐसा फील करता हूँ। लेकिन आई थिंक इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू हैव लैक ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। आई रियली बिलीव दैट। आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंस इज अ वर्स थिंग देन फीलिंग लाइक अ लूजर। आई थिंक एक्सट्रीम्स तो वैसे नहीं होते, तो लूजर से थोड़ा बेटर फील करते रहो तो मेहनत ज़्यादा होती है। आई जस्ट फील आई वर्क हार्डर वेन आई थिंक आई एम नॉट गुड इनफ। आई ऑलवेज फील आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता। उल्टा मैं बहुत चीज़ें मजाक में कह देता हूँ, मुझे नाचना नहीं आता, मेरे 5 एक्सप्रेशन हैं। मैं जेन्युइनली ये बातें मानता हूँ कि मैं हर चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, तो मुझे मेहनत और करनी पड़ेगी। सो देर इज़ अ क्लोजनेस एंड प्रॉक्सिमिटी टू जीरो। शाहरुख